कि जाके आंदोलन कर रहे हैं। जो चाषी हम लोग का मुंह में अन्न देता है, जो अन्न दाता है चाषी, आज हजारों के तौर से, सौ के ऊपर से वो लोग आंदोलन कर रहा, लाखों की उधर पहुंच गया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो कि बोलता है सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? क्यों फार्मर्स लोग आंदोलन कर रहा है? क्यों फार्मर्स लोग का हक उनके पास से छीन के आप अदानी अंबानी के पास उठा दे रहे हैं? ये किस लिए? आप देखिए 28 जन जो लोग जो बैंक को लेके, जिसके लिए बैंक सब बेसरकीकरण एक के साथ मर्ज हो रहा, आप देखिए उसमें 28 जन के अंदर 27 जन तो एक संप्रदाय के मोदी जी के अपना रिलेटिव ही है, सभी मोदी जी के रिलेटिव है, उनका राज्य से है, सभी तो लूट के चला गया। और जब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब एक सिख बॉर्डर में लड़ता है तो वो देशभक्त होता है, जब वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो आतंकवादी होता है, और ये तो सरकार का दोहरा मापदंड है। तो ऐसी सरकार को हम लोग उनसे हम लोग क्या उनसे उपेक्षा रखेंगे हम लोग? बताएं कि भाजपा बार बार कहते हैं कि हम लोग आएंगे तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार का बांग्ला बनेगा तो अच्छा होगा, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आएगी? देखिए सबसे पहले तो उनको बोलिए भी अगर आप पहले यूपी को सोना का बनाइए, बंगाल के बारे में आप मत सोचिए, बंगाल तो हम लोग का सोना का ही है। आप जो आदमी को एक तो होता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, ढकोसला, ये ढकोसला है इनके पास में, इनके पास करने लायक और कुछ नहीं है और ना ये कर पाएंगे। ममता बनर्जी जो है जब इनकी रिपोर्ट कार्ड देखी है तो ये रिपोर्ट कार्ड में इन लोगों का सब रेड मार्क है, ये लोग चोर थे, ये लोग आवाम के पैसे चोरी किए हैं, ये लोग आवाम से जो है कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने। तो जब इनका देखा गया कि इनको जो है अब टिकट शायद नहीं मिलेगा, इनका चोरी पकड़ा जाएगा, तो ये करेंगे क्या? ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन में गए हैं साफ अपने आप को होने के लिए। तो ये चोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ममता बनर्जी के साथ में बंगाल के आवाम कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इनका जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलबी लोग हैं जो लोग यहाँ पर रोटी सेकने आए थे और कमाए हैं, अपना पॉकेट भरे, लोगों का कोई काम नहीं किया। आप देख लीजिए, उनके इलाके में जाइए, उनके इलाके में जाके मुआयना कर। देखिए मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा दिखता है, इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ लें। हाथी बैठ भी जाए तो गधा खड़ा रहे तो भी हाथी उससे ऊंचा दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीम आएगा कि अब्बास सिद्दीकी आएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। गंगा बहती है अपने हिसाब से, और जहां गंगा को पसंद आता है वहां गंदगी साइड कर देती है और साफ पानी को लेते हुए आगे चली जाती है, फिर दूसरे को फायदा पहुंचाती है। ये जो देश है, ये जो धरती है, इसकी माँ है ममता बनर्जी, और इसकी गंगा जो है पवित्र है। इस पवित्र पानी से जितने लोग फायदा उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गंदगी को धोने के लिए और अगर पानी की जरूरत पड़ी और बहाव का जरूरत पड़ेगा तो हम अपने पूरे जिस्म का खून का ताकत उसमें लगा देंगे और इस गंदगी को बहा कर फेंक देंगे। आदाब, इस वक्त मैं हूँ कोलकाता पोर्ट असेंबली क्षेत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव में कमोबेश 100 दिन बच चुका है और पूरे देश की निगाह इस वक्त मगरबी बंगाल में है, और पोर्ट असेंबली क्षेत्र में चंद लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी के लिए कितना सख्त है। मेरे सामने टीएमसी के एक सीनियर लीडर भी यहाँ पर है और भी टीएमसी के बहुत सारे लीडर, उनसे बात करेंगे। वसीम दाम से हम करेंगे सवाल। दादा, इस बार का जो चुनाव आपकी पार्टी के लिए कितना टफ? देखिए कोई भी लड़ाई, कोई भी चुनाव कभी हल्का रूप से नहीं लिया जाता है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमेशा कहता रहता हूँ कि हम लोग साल भर हम लोग काम किए हैं और हम लोग का हमेशा कोशिश यही रहता है, क्योंकि हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी यही बताते हैं कि हमेशा आवाम के साथ जुट के काम करो, आवाम को कोई भी चीज़ में किसी को अगर तकलीफ हो तो वो काम से अपने आप को हटा के रखो और कोशिश करो कि उसका आँख का पानी हमेशा मोचने के लिए, तो वही काम में हम लोग लगे हुए थे और हर साल हम लोग वही करते हैं। तो चुनाव हमेशा हल्का रूप से लेना नहीं चाहे, लेकिन हम लोग विश्वास है कि चुनाव में जीत हम लोग का ही होगा। मतलब बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानते कि नहीं आप लोग? देखिए ये तो उन लोग का हरकत से ही पता चलता है कि एक ही चीज़ बोलूँगा कि भारतवर्ष का ट्राइकलर नेशनल फ्लैग जो लोग उठाने में शर्म आता है जिन लोग को, तो वो लोग सांप्रदायिक छोड़ के और क्या है।
आपने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा, लेकिन एक जमाना था जब आपकी पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, उस टाइम क्यों किया? सही मुद्दा आपने बोला है, लेकिन उस समय बीजेपी का जो नेता था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और आज का जो नेता है वो अदानी और अंबानी का नेता है। तो आपको तो समझ लेना पड़ेगा अब क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक नेक इंसान थे, एक कवि थे, उनका सोच अलग था, उनका विचार अलग था, वो चाहते थे सबको ले के काम करना। लेकिन पार्टी का जो सोच था तो सेम था ना? नहीं, कभी नहीं। आप देखिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी का जिस समय उनका रिजीम था, वो जिन समय प्रधानमंत्री थे, वो कभी ऐसा कभी कोई प्रस्ताव नहीं आया कि नेशनल एंथम का लाइन चेंज कर दो। बिंदु हिमाचल जमुना गंगा द्राविड़ उत्कल बंग, ये लाइन चेंज करने के लिए इस समय का बीजेपी के तरफ से प्रस्ताव है। कभी उस समय ये आवाज़ नहीं उठा था कि ट्राइकलर पताका को हम लोग नहीं उठाएंगे, कभी ये मुद्दा नहीं उठा था। कभी कोई कृषक को, चासी को नहीं देखे थे कि जाके आंदोलन कर रहे हैं। जो चासी हम लोग का मुंह में अन्न देता है, जो अन्न दाता है चासी, आज हजारों के तौर से, सौ के ऊपर से वो लोग आंदोलन कर रहा, लाखों उधर पहुंच गया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो कि बोलता है सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? क्यों फार्मर्स लोग आंदोलन कर रहा है? क्यों आप फार्मर्स लोग का हक उनके पास से छीन के आप अदानी अंबानी के पास उठा दे रहे हैं? ये किस लिए? आप देखिए 28 जन जो लोग जो बैंक को लेके, जिसके लिए बैंक सब बेसरकीकरण एक के साथ मर्ज को हो रहा, आप देखिए उसमें 28 जन के अंदर 27 जन तो एक संप्रदाय के, मोदी जी के अपना रिलेटिव ही है, सब सभी मोदी जी के रिलेटिव है, उनका राज्य से है, सभी तो लूट के चला गया। अभी बोला डिमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन रिजल्ट क्या हुआ? जीएसटी रातों का अंधेरा में जीएसटी लागू कर दिया, क्या लाभ क्या हुआ? देश का आज जीडीपी कहाँ है? ये सब कुछ सोचना है। आप देखिए एलआईसी को बेच दे रहा, आप बीएसएनएल को उठा दे रहा, ओएनजीसी को उठा दिया, क्या अच्छा हुआ ये बताइए? कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप कभी तो राज्य में बहुत सारे लोग बेकार बन गए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपके यहाँ भी हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर नेशनल रिपोर्ट देखिएगा, स्वाधीनता के बाद 1947 के बाद भारतवर्ष में इतना ज़्यादा बेकारी कभी नहीं हुआ। कहाँ गया 2 करोड़ साल में नौकरी देगा बोला था, कहाँ गया 15 लाख रुपया? हम लोग पूछना चाहते हैं, 2014 में जब निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन में गया था, उस समय बड़ा बड़ा मुंह करके बोला था इन लोग, बीजेपी का नेता लोग बोला था, प्रधानमंत्री से लेके नरेंद्र मोदी से लेके सब, अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके सब कोई, गडकरी जी से लेके सब कोई बोला था, खाली बंगाल में नहीं सारा भारतवर्ष में बोला था कि 2 करोड़ करके साल में हम लोग नौकरी देंगे। कहाँ किया नौकरी? आपके बैंक अकाउंट में घुसा 15 लाख? मेरे अकाउंट में तो नहीं घुसा। ऐसे बंगाल क्यों, भारतवर्ष का किसी का अकाउंट में 15 लाख करके नहीं घुसा? ये रुपया गया कहाँ? हम लोग पूछना चाहते हैं, देश का चौकीदार बना था, देश को बेचने का काम कर रहा, शर्म आना चाहिए। देखिए दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ नहीं बन सकेगा, दाढ़ी बना के रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं बन सकेगा। जिन लोग को मालूम नहीं है स्वामी विवेकानंद कौन है, उन लोग ही बोल सकता है विवेकानंद ठाकुर। हालांकि दो एक दिन पहले ही नड्डा जी ने बोला विवेकानंद ठाकुर, मेरे पास वीडियो भी है। बांग्ला का कल्चर अगर नहीं मालूम, बांग्ला का लिटरेचर अगर नहीं मालूम, बांग्ला का संस्कृति अगर नहीं मालूम, तो बंगाल में जगह नहीं है। जय श्री राम, आप भी हिंदू है, बंगाली है, जय श्री राम का नारा बोलने से आपकी पार्टी के नेतृत्व को गुस्सा क्यों आता है? देखिए जय श्री राम एक आवेग का बात है, इमोशन का बात है। रोज हम भी बोलते हैं जब पूजा करते हैं कि जय श्री राम, जय सीताराम, जय सियाराम, हम लोग बोलते हैं, शर्म का बात नहीं है। हम हिंदू है, हम ये तो गर्व का बात है। ये मुसलमान है, ये इस्लाम धर्म है, तो हम लोग, मेरा मुख्यमंत्री तो हमेशा बोलता है कि धर्म सवार निजेर निजेर, उत्सव सवार। दुर्गा पूजा में शौकत नहीं आता है मेरा पंडाल में? दुर्गा पूजा शौकत नहीं करते हैं, डॉक्टर शकील नहीं करते हैं? लेकिन जय श्री राम का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक
सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम में अगर आप इनवाइटेड को आप बुलाएं, इनविटेशन दिए हैं, हम लोग इनवाइटेड नहीं थे। हो सकता है आप लोग प्रेस के रूप से आप लोग इनवाइटेड थे, लेकिन आम कोई इनवाइटेड नहीं थे। वो तो वो मिनिस्ट्री से इनविटेशन किया है और उधर जाके उन लोग को बंगला का मुख्यमंत्री, जो कि आपका भी मुख्यमंत्री है, ये शर्मनाक बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा मनीषी था जो आज़ाद हिंद फौज गौड़ा था और जिसका नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस का बाद में जो था शहनवाज हुसैन वो मुसलमान था, उसके ट्रूप में आज़ाद हिंद फौज में आपका तमिल सिविलियंस लोग थे, उसमें सब कोई जाति के धर्म के सब कोई थे। तो उधर से वो मैसेज दिए थे कि हम सभी के लिए है भारतवर्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध सभी के लिए है, वो कोई एक जाति के लिए नहीं है, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो कोई मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। भारतवर्ष एक सेकुलर राष्ट्र है, आप देखिए पाकिस्तान धर्मीय राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, वो उन्नति कर सक रहे नहीं कर सक रहे। कोई धर्म का नाम में कोई राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सक रहा, वो पीछे ही रहता है। वो इसीलिए भारतवर्ष सेकुलर राष्ट्र था, आगे भी रहेगा, और जो इसके साथ टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, कभी नहीं कर सकेगा इसको हिंदू राष्ट्र या कोई अपना मनमानी के रूप से कुछ भी एक अपना थोप दिया भारतवर्ष के अंदर और हम लोग सभी भारतवर्ष का आवाम मान लेगा, ये कभी नहीं हो सका। वो मूर्ख का शब्द में बात कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने हमारे एक सिख भाई, हम उनसे बात करते हैं। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जी मुखविंदर सिंह। अच्छा, और ये बताएं इस बार जो विधानसभा का चुनाव में सिख जो संप्रदाय आपकी जो जमात है वो इस बार किस पार्टी को वोट देगी? देखिए, हम तो पहले से ही जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है और जैसे ही उनका हमारे सबके संग में उनका सबको लेके सेकुलरिज्म तरीके से वो काम कर रही हैं, तो हम तो ममता बनर्जी के साथ ही हैं और उनके साथ ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात आपको लाइन कोट करता हूँ, आमरा चोली सोमुख पाने के आमादेर बांधवे, रोई लो जारा पीछू उठाने कांधवे तारा कांधवे, बीजेपी कांधवे और ममता बनर्जी आउदेर सैनिक सवाई हासवे। और हम तो प्राय आज इस मोमिनपुर में इकबालपुर मटियापुर हम लोग के टेलर का काम है, हमारा आना जाना और ये सब भाईचारा हमारा ही हम लोग का ही है और हमें कभी महसूस नहीं हुआ भी हम अपने घर में है कि अपने घर के बाहर है। तो इसलिए ममता बनर्जी के साथ में हम लोग हैं और आज हमारी देखिए बहू बेटियां रास्ते में हम लोग घूमते हैं, कोई उनको परवाह नहीं, हम लोग को कोई चिंता नहीं है। और ये कहाँ है, ये खाली पश्चिम बंगाल में ही है। तो इसलिए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ हम लोग और साथ में रहेंगे। मैं चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने सिखों के लिए जो काम किया, ऐसे दो काम हमें बता दें आप। उन्होंने दो काम किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। देखिए, हमारे प्राय जब गुरुपर्व होते हैं, मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, जब यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी तो हमारा नेक्स्ट डे प्रोग्राम था गुरु नानक देव जी का, तो वहाँ पर इतनी वहाँ मिट्टी पर ये हुई थी, वो समझ लीजिए वहाँ इमरान खान ने जिस तरीके से काम किया था हमारे गुरुद्वारा साहब का, तो ममता बनर्जी ने उनको पैरेलली ये करते हुए उससे ज़बरदस्त तरीके से एक दिन में हमारा पूरा पेंडल तैयार करके दिया और कम से कम वहाँ हज़ारों के तादाद में अपने रेते की गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म बनाता, जो हम लोग गुरु साहब जहाँ पर जाए गुरु ग्रंथ साहब बैठते पूरा पंडाल, तो उनका हम लोग कैसे ये सब चीज़ें हम लोग भूल सकते हैं। क्या बंगाल के सिख वर्तमान जो TMC सरकार उसे खुश है? बिल्कुल खुश है जी। और खुश, देखिए, आदमी की सबसे बड़ी खुशी होती है शांति, और शांति जब आपके पास में है तो पैसा तो देखो वो आज हजारों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो उनके पास शांति नहीं है, उनको क्या है, वो सांप्रदायिक हुए हैं और वो लोगों के बीच में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। आज किसान बैठे हैं, आज समझ लीजिए आप पहले पंजाब में 3 महीने से बैठे थे, वो आज बोल रहे हैं भी आज ये आतंकवादी हैं, आज ये टेररिस्ट हैं। और जब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब एक सिख बॉर्डर में लड़ता है तो वो देशभक्त होता है, जब वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो आतंकवादी होता है, और ये तो सरकार का दोहरा मापदंड है। तो ऐसी सरकार को हम लोग उनसे हम लोग क्या उनसे उपेक्षा रखेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताएं कि भाजपा बार बार कहते हैं कि हम लोग आएंगे तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार का बांग्ला बनेगा तो अच्छा होगा, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो उनको बोलिए भी अगर आप पहले यूपी को सोना का बनाइए, बंगाल के बारे में आप मत सोचिए, बंगाल तो हम लोग का सोना का ही है। आप जो आदमी को एक तो होता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, ढकोसला, ये ढकोसला है इनके पास में, इनके पास करने लायक और कुछ नहीं है और ना ये कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक और शख्स से बात करेंगे, शौकत जी है जो TMC यूथ का लीडर है।
शौकत जी, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, बड़े बड़े आपके दिग्गज नेता एमपी सांसद विधायक सब भागम भाग चल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? वॉशिंग मशीन में जा रहा है। देखिए ये लोग जो है, मैंने आपको आगे भी कहा है कि जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखा गया ना, ममता बनर्जी जब सरकार बनाई तो उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में खड़े होकर कहा कि मेरा तमाम जो सैनिक है वो लोगों के लिए काम करेंगे, अपना लिए काम करेंगे, अपना पॉकेट नहीं भरेंगे। ममता बनर्जी जो है, जब इनकी रिपोर्ट कार्ड देखी है तो ये रिपोर्ट कार्ड में इन लोगों का सब रेड मार्क है। ये लोग चोर थे, ये लोग आवाम के पैसे चोरी किए हैं, ये लोग आवाम के जो है कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने। तो जब इनका देखा गया कि इनको जो है अब टिकट शायद नहीं मिलेगा, इनका चोरी पकड़ा जाएगा, तो ये करेंगे क्या? ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन में गए हैं साफ अपने आप को होने के लिए। तो ये चोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ममता बनर्जी के साथ में बंगाल के आवाम कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इनका जाने से आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलबी लोग हैं जो लोग यहाँ पर रोटी सेकने आए थे और कमाए हैं, अपना पॉकेट भरे, लोगों का कोई काम नहीं किया। आप देख लीजिए, उनके इलाके में जाइए, उनके इलाके में जाके मुआयना करें। जब इन लोगों ने काम नहीं किया तो इन लोगों को आप लोगों ने इतना ज्यादा पोस्ट दिया, 4-5 मिनिस्ट्री, ये बोर्ड वो बोर्ड, तो ये आप लोगों ने क्यों दिया? देखिए उम्मीद रहता है, उम्मीद रह के जो है कि नौजवान लोगों को सामने लाकर काम कराया जाए। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने जो है नौजवान लोगों को सामने लाकर काम कराने की कोशिश की कि ये लोग काम करेंगे आवाम में, और ये जो है उम्रदराज जो लोग हैं उन लोगों को भी रखा गया, मगर नौजवान को सबसे बेसी जिम्मेदारी दिया गया कि आप तमाम काम करो, मगर ये चोर निकल जाएंगे जो है इसमें तो ममता बनर्जी की दोष नहीं है। ममता बनर्जी तो उम्मीद किया कि लोगों को जो है काम करें, इसलिए उन्होंने लेकर आए। बहुत शुक्रिया, मैं डॉक्टर शकील साहब से बात, चूँकि आप डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, इस हम सियासी सवाल नहीं करेंगे। एक बात जो सब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जो टीएमसी की गवर्नमेंट दे रही है बहुत सारे हॉस्पिटल में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप टीएमसी के जो डॉक्टर पैनल है उसके आप सीनियर मेंबर है, क्या कहिएगा? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो हॉस्पिटल के ग्रेड हैं ABC, तीन ग्रेड होते हैं हॉस्पिटल के। ए ग्रेड में जितनी सारी बीमारियां उनका सारा इलाज होता है, उसके बाद बी ग्रेड आता है, बी ग्रेड में उससे कम बीमारियों का इलाज होता है, सी ग्रेड में उससे कम बीमारियों का इलाज होता है। तो जो लोग भी हमारे भाई बहन स्वास्थ्य साथी कार्ड होल्ड करते हैं वो किसी भी अस्पताल में जाने से पहले वहाँ के हेल्प डेस्क में जाएँ, मालूम कर लें कि ये इस अस्पताल में का कौन सा ग्रेड है, ABC है, उसके बाद से अपने पेशेंट को वहाँ एडमिट करें और मिसअंडरस्टैंडिंग में, मिसकंसेप्शन में, र्यूमर में नहीं जाएँ और उसका लाभ उठाएं। ये तो आपने डॉक्टर के हिसाब से बात किया, आप एक नेता के हिसाब से मुझे बताया कि पश्चिम बंगाल का चुनाव में 30% जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरफ जाएगा? देखिए मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा दिखता है, इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह समझ लें। हाथी बैठ भी जाए तो गधा खड़ा रहे तो भी हाथी उससे ऊँचा दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीम आएगा कि अब्बास सिद्दीकी आएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। गंगा बहती है अपने हिसाब से और जहां गंगा को पसंद आता है वहां गंदगी साइड कर देती है और साफ पानी को लेते हुए आगे चली जाती है, फिर दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये जो देश है, ये जो धरती है, इसकी माँ है ममता बनर्जी और इसकी गंगा जो है पवित्र है। इस पवित्र पानी से जितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गंदगी को धोने के लिए और अगर पानी की ज़रूरत पड़ी और बहाव का ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने पूरे जिस्म का खून का ताकत उसमें लगा देंगे और इस गंदगी को बहा के फेंक देंगे। मीम पार्टी के जो मुखिया है असदुद्दीन अवैसी, उनके बंगाल आने से आपकी पार्टी में डर क्यों है? कोई डर नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि मैं खिजरपुर में रहता हूँ, इकबालपुर में रहता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि जितनी हमदर्दी, जितनी प्यार मोहब्बत मुझे खिदिरपुर इकबालपुर के लोगों से हो सकती है, क्या बाहर के आदमी को हो सकती है क्या? ओवैसी इज़ ए फॉरेनर, ओवैसी इज़ ए फॉरेनर फॉर अस, वो एक बाहर का आदमी है। ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है सर, फॉरेनर कैसे बोल सकते हैं ओवैसी को? फॉरेनर फॉर अस, फॉर अस, मैंने कहा फॉरेनर फॉर अस, उसका कोई बंगाल के हम लोगों को बोल रहे नो बंगाल के लोगों के लिए वो फॉरेनर है, क्योंकि उसका आज तक, मुझे एक बात का जवाब दिया जाए कि ओवैसी साहब आज आके तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी दिल्ली में जाएगी तो नो सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं जी।
कि ओवैसी साहब यहाँ आए, आकर के उन्होंने कहा कि अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारा गठजोड़ हो गया है और इस गठजोड़ में हम उनके साथ हैं, आप लोग सहयोग करें, सहायता दें। मैं बहुत ही अदब से पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, जो बहुत ही लॉरेट इंसान है, उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत सुलझे हुए इंसान है और पार्लियामेंट में बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, क्या कभी बंगाल के तरक्की में उनका कोई योगदान रहा है? एक पैसे भर का भी योगदान कभी उन्होंने किया है? योगदान नहीं है वो अलग बात है, तो क्या पश्चिम बंगाल में वो उनको आपके इलेक्शन में उठने का हक नहीं है? नहीं नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। बोलते वो बीजेपी की बी टीम है इस तरह की बातें, हम लोगों को लगता है, क्यों लगता है कि बिहार का जो पिछला इलेक्शन हुआ है, अगर उन्हें बीजेपी से कभी भी अलायंस नहीं किया, उनको बोलते बी टीम है। ममता जी ने दो बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, तो वो अच्छी है? नहीं, मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पहले डिबेटर जो थे असीम जी, उन्होंने आपको बहुत क्लियरली कह दिया है कि जिस वक्त ममता बनर्जी का बीजेपी से अलायंस होकर के वो मिनिस्ट्री में आई थी, उसका नेता बहुत ही सुलझा हुआ इंसान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य इंसान थे, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे और ये चाहते थे कि देश तरक्की करे। राजीव गांधी का छोड़ा हुआ काम अटल बिहारी वाजपेयी के रेजिम में जो नेशनल हाईवे का काम था वो पूरा किया उन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अच्छा समझकर उनको साथ दिया था, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि गलत है वो वहाँ से वापस हो गई। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो उस टाइम का स्टेप था वो उस हिसाब से सही था। पोर्ट असेंबली हल्का जो है, जो मुसलमानों का बड़ा आबादी यहाँ पर, मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, तो डॉक्टर शकील साहब को क्या लगता है कि इस बार पोर्ट हल्का में क्या होगा, भाजपा कोई असर है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि पिछले इलेक्शन में 2016 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2016 में यहाँ से राकेश सिंह को टिकट दिया गया था कांग्रेस से, तो वो 60,000 का जो वोट बैंक था उनका, जिस पर वो बहुत कूद रहे हैं, वो उनका अपना वोट नहीं था, बीजेपी का वोट नहीं था, वो कांग्रेस CPM और यहाँ के कांग्रेस वर्कर वगैरह वगैरह का वोट था वो। अब वो वोट 60,000 नहीं रहेगा, वो 6,000 में चला जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2016 से लेके अब तक और उसके पहले का भी अगर बायोडाटा देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, तो पोर्ट इलाके में जो जो काम हुए हैं वो बेतहाशा काम हुए हैं। मैं आपको कितने काम बताऊँ, जैसे मैटरनिटी का अपलिफ्टमेंट, वीमेन कॉलेज का बनना, फ्लाई ओवर का बनना, गवर्नमेंट का तो जॉब ही यही है। नहीं, गवर्नमेंट को इसलिए लोग बुलाते हैं ना पावर में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इससे पहले 34 साल जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मैटरनिटी को, हम लोगों ने 200 बार डिमोन्स्ट्रेशन दिया, कांग्रेस में थे उस टाइम में हम लोग, उनको ये प्रोटेस्ट किया, उनको डेमो किया कि आप इसको डेवलप करें, बना दें, हमारी घर की औरतें हैं, बच्चियां परेशान होती हैं इलाज के लिए, यहाँ वहाँ दौड़ती हैं, भागती हैं, पैसे खर्चे होते हैं, रात को मैटरनिटी होम में अगर प्रेग्नेंट लेडी जाती है, कहा जाता है SSKM चले जाओ, तो उस टाइम के लोगों ने तो कुछ नहीं किया। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी बहुत काम हुआ है, यहाँ पर रोड डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है, पानी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ पर वाटर फिल्टर के लिए बहुत बड़ा बड़ा दो दो प्लांट बनाया गया, एक पान बाज़ार में बनाया गया, एक बंकिम घोष जो हमारा ये है क्या बोलते हैं व्यायाम समिति, वहाँ पर बनाया गया, तो मनसा तला में पानी की सुविधा हुई, रास्ते की सुविधा हुई। तो एक एक आम इंसान को क्या चाहिए, एक आम इंसान को पढ़ाई चाहिए और स्वस्थ चाहिए और रहने के लिए ठीक ठाक जगह चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम बेसिक काम थे, बॉबी दा ने अपने रेजिम में बहुत मुस्तैदी से, ईमानदारी से काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग कोशिश करके जितनी मेहनत मोहब्बत से काम कर रहे हैं, ये हम लोग जारी रखेंगे और बॉबी दा को फिर इस कंस्टिट्यूंसी में हम लोग वापस लाएंगे और फिर उनको हम इंशाल्लाह मिनिस्टर की शक्ल में देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हमें जाने से पहले असीम दा, जो TMC के बड़े नेता है, उनसे हम एक सवाल करेंगे। दादा, आपकी पार्टी के तरफ से बार बार बोला जा रहा है खेला होबे खेला होबे, क्या है, आप लोग किसी को मारिएगा क्या, ये बताएं। नहीं नहीं, खेला होबे मतलब देखिए, ना ना, ये ऐसा है कि खेला होबे माने ये जो इलेक्शन है ये भी तो एक अपोजिशनर संगे खेला होबे, सेखाने कांग्रेस आछे, CPM आछे, BJP आछे, इलेक्शन है तो एटा तो एक खेला। ये पृथ्वी होच्छे एकटा नाट्यमंच, एटा एकटा रंगमंच, आमरा सबाई आर्टिस्ट, एखाने आमरा सबाई प्लेयार, आमरा ताई बोलछि खेला होबे। আজকের যে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, মানুষের পেছনে ED লাগিয়ে, CBI লাগিয়ে যে কাজটা BJP করছে, এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক দল কখনো করেনি। সেই কারণেই আমরা বলছি যে মানুষ থাকবে, মানুষকে নিয়েই আমরা
আমরা মানুষের পাশে থাকব আর সেই সময় খেলা হবে এই খেলায় আমরাই জিতব মামাটি মানুষই জিতবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবে হিন্দু অধিকারী নে মমতা জি কো চ্যালেঞ্জ কিয়া হ্যা নন্দীগ্রাম সে ও আগর ইলেকশন মে উঠতি হ্যায় তো 50,000 হাফ লাখ ভোট সে হারায়েঙ্গে ক্যা লাগতা হ্যায় হাম আপকো এক হি চিজ বোলনা চাহতে হ্যায় উত্তর আপকো আপনে আপই মিল জায়েগা সেটা হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রথম অ্যানাউন্স করেছে যে আমি এখান থেকেই লড়ব নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু এখনও বলিনি যে ও নন্দীগ্রাম থেকে লড়বে নাকি প্রশ্নটাকে শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করুন যে ও নন্দীগ্রাম থেকে লড়বে নাকি আমরা চাই ও লড়ুক আচ্ছা আর একটা শেষ প্রশ্ন জেপি নাড্ডাজি এসেছিলেন মোদি আজকে এসেছেন আগামী অমিত শাহজি আসবেন তো আপনি পার্টি মে বিজেপি কে বড় দিগ্গজ নেতা আপনি পার্টি মে ক্যা ফিডব্যাক ক্যা ক্যা রিয়েকশন পদ কা রূপ সে এ লোক সব বড়ে দিগ্গজ লোক হ্যাঁ মে সবই কো নমন করতা হুঁ এক রাজনৈতিক দল যো করতা হুঁ ও হ্যাঁ মা মাটি মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস হামারে নেত্রী হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জি হাম লোক সবই কো প্রেম দেনে প্রেম কো প্রসারিত করতা হুঁ উই জাস্ট স্প্রেড লাভ নট হেট্রেড জো কই আ সকতে হ্যাঁ বোল সকতে হ্যাঁ লেকিন মিনতি করতা হুঁ কি গলত চিজ মত বোলিয়ে গলত শব্দ মত শামিল কিজিয়ে বাংলা কাজ কালচার হ্যাঁ বাংলা কাজ লিটারেচার হ্যাঁ ইসকো নষ্ট মত কিজিয়ে না কি রাম কো বদনাম মত কিজিয়ে গান্ধীজি নে কাহা হ্যাঁ হাম সবই জানতে হ্যাঁ রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম ঈশ্বর আল্লাহ তেরো নাম সবকো সুমতি দে ভগবান ইসমে সে উত্তর মিল জাতা হ্যায় ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া অফার্স ইউনিটি অ্যামিডস ডাইভার্সিটিজ আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ অলঙ্কার হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সংহতি ইউনিটি আর হামলোক ইসকো কবি নষ্ট হোনে নেই জেতেগা ইয়ে নরেন্দ্র মোদি হো ইয়ে জেপি নড্ডা হো ইয়ে গড়করি সাহেব হো ইয়ে রাজনাথ সিং হো কই ভি আয়ে জো ভি আয়েগা আর বঙ্গাল কো গলত তরিকে সে দখল করনে কা কোশিশ করেগা ও চুর চুর হো জায়েগা বহুত বহুত শুক্রিয়া তো ইয়ে থে টিএমসি কে নেতা আর জেসা কি হাম বাতা দে কি পোর্ট অ্যাসেম্বলি ক্ষেত্র মে তো ইয়াহ কে নেতাওনে সাফ তোর পে কাহা হ্যায় কি ভাজপা চাহে জিতনা ভি কোশিশ কর লে ইস বার ভি না সিফ পোর্ট বলকে পুরে পশ্চিম বঙ্গাল মে মমতা ব্যানার্জি কি পার্টি কা হি জাদু চলেগা বহুত জলদি হাম আয়েঙ্গে আপকে অ্যাসেম্বলি ক্ষেত্র মে আপ সবই ইস তরফ দেখতে রহে হালাত বঙ্গাল আর নিউজ টেক ইন্ডিয়া